हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस इन मल्टी सिलेंडर इंजन, और ये वीडियो के बाद हम ये टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, नए वीडियो हम अपलोड करेंगे। वो तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन क्या होता है। तो मल्टी सिलेंडर मतलब क्या कि मोर देन वन सिलेंडर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देयर आर फोर टोटल सिलेंडर्स, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि ये है मल्टी सिलेंडर इंजन। अब इनलाइन इंजन मतलब क्या कि आप ये जो क्रैंक्स आप देख सकते हो, उसके एक ही साइड पर सभी इंजन्स होने चाहिए। तो वैसे इंजन्स को हम बोलते हैं इनलाइन इंजन्स। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो है मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन्स की, जिसमें मोर देन वन सिलेंडर है और सभी सिलेंडर्स क्रैंक्स आफ्ट के एक ही साइड पर है। सो वी कैन से दैट दिस इंजन इज़ अ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन। अब मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन में हमें पता है कि पहले तो प्राइमरी फोर्स लगता है कोई भी सिलेंडर के अंदर, जो अनबैलेंस क्रिएट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेंडर वन है, 2, 3 एंड 4, सभी जो सिलेंडर है वो डिफरेंट प्लेन में है। दैट इज़ प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 एंड प्लेन 4। अब ये जो सिलेंडर है वो डिफरेंट प्लेन में है, इसकी वजह से क्या होगा कि एक टाइप का अनबैलेंस कपल भी इंट्रोड्यूस होगा। तो हमें वो कपल को भी बैलेंस करना होगा, एज वेल एज़ प्राइमरी फोर्स को भी बैलेंस करना होगा। तो चलिए पहले तो यहाँ पर लगेगा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट इज प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स। और प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, उसकी लिंक भी आपको दी जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा। और प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स रहता है Fp इज इक्वल्स टू Mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स रहता है वो होता है Fs इज इक्वल्स टू Mr ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई एन, वेर एन इज़ दी ऑब्लिगेटिव रेशियो, डेट इज़ एल बाई आर रेशियो। अब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को तो बैलेंस कर लिया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये डिफरेंट प्लेन में है तो उस पर कपल भी लगेगा, तो हमें कपल भी बैलेंस करना है। तो हम सब में क्या करेंगे कि एक रेफरेंस प्लेन ले लेंगे, जो सेंटर में रहेगा वो हमारा रहेगा रेफरेंस प्लेन। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है रेफरेंस प्लेन, और उसके लेफ्ट साइड पर जो डिस्टेंस रहेंगे वो रहेंगे नेगेटिव डिस्टेंस, और जो राइट साइड पर रहेंगे वो होंगे पॉजिटिव डिस्टेंस। सब में भी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस L1 है, सिलेंडर 1 का जो डिस्टेंस है डेट इज़ L1, फिर सिलेंडर 2 का डिस्टेंस L2, देन सिलेंडर 3 का L3 एंड हियर इज़ L4। तो हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे प्राइमरी अनबैलेंस कपल। अब ये कपल जो है उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो ये जो फोर्स है इनटू दिस डिस्टेंस, हमें पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होता है वो होता है कपल। तो हमें यही लिखना है Mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस, दैट इज़ L1 है, L2 है। अगर हमें सिलेंडर 1 का कपल लिखना है तो हमें L1 लिखना होगा, सिलेंडर 2 का होगा तो L2 लिखना होगा, लेकिन हम यहाँ पर कॉमन लिखेंगे से L, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई बाई L करना है, तो वो हो जाएगा कपल। और जो फोर्थ कंडीशन होती है वो है सेकेंडरी अनबैलेंस कपल। और सेकेंडरी अनबैलेंस कपल मतलब कि जो सेकेंडरी फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेकेंडरी फोर्स है Mr ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई एन इनटू लेंथ, दैट इज़ L। तो ये हो गया सेकेंडरी अनबैलेंस कपल। अब सम्स में हमें ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। तो अब ये कंडीशन को हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे, तो आप पहले यहाँ पर देख सकते हो कि पहला है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, तो जब समेशन ऑफ Mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से ये सभी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पर सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का क्या होगा, समेशन ऑफ Mr ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई एन शुड बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर प्राइमरी अनबैलेंस कपल इट शुड बी समेशन ऑफ Mr ओमेगा स्क्वायर इंटू L cos theta must be equals to 0, and finally for last one it should be summation of Mr omega square L cos 2 theta by n should be equals to 0।
ये चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी हमारी ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगी। और न्यूमेरिकल्स में भी हमें यही प्रोसीजर करनी है। हमें प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का जो पॉलीगन रहेगा वो ड्रॉ करना रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का पॉलीगन ड्रॉ करना रहेगा, देन प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कपल का, और मतलब कि ये चारों दोनों फोर्स और दो कपल है उसके पॉलीगन ड्रॉ करने होंगे। और हमें जब पॉलीगन क्लोज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो बैलेंस है। अब प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और प्राइमरी अनबैलेंस कपल जो है वो हम ड्रॉ करेंगे गिवन डेटा के ऊपर से, और उसका पॉलीगन भी हम वैसे ही ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स और सेकेंडरी अनबैलेंस कपल जो है उसे ड्रॉ करने के लिए हमें एक इमेजिनरी क्रैंक एज्यूम करना पड़ेगा। तो चलिए वो हम कैसे एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा कंपेरिजन देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स है दैट इज़ एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाई एन। तो ये जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स है उसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो ये जो कंडीशन है वो भी मॉडिफाई हो जाएगी। तो वो कंडीशन में हम देख लेते हैं, समीशन एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाई एन इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें हम मॉडिफाई करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई फोर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा फाइनल कंडीशन, समीशन ऑफ एम आर, अब मल्टीप्लाई बाई फोर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाई एन जो है वो हो जाएगा फोर एन। तो हमें फाइनल कंडीशन ये मिलेगा। ये हो गया सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन दैट इज एफ एस। अब सिमिलरली सेकेंडरी अनबैलेंस कपल है उसका भी हमें कंडीशन मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो रहेगा सी एस इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एम आर ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू कॉस टू थीटा बाई फोर एन इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन और ये है सेकेंडरी अनबैलेंस कपल का कंडीशन। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है एम आर, और आर की जगह पर यहाँ पर हमें क्या मिला आर बाई फोर एन, फिर ओमेगा की जगह पर हमें क्या मिला ट्वाइस ओमेगा, और थीटा की जगह पर हमें क्या मिला टू थीटा। मतलब कि ये एक इमेजनरी क्रैंक है जिसका रेडियस है आर बाई फोर एन, जिसका एंगुलर वेलोसिटी है ट्वाइस ओमेगा, और जो रोटेट होता है टू थीटा के एंगुलर पोजिशन पर। तो ये जो क्रैंक है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी क्रैंक।